हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोहित व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर एंड टर्निंग पॉइंट टेक्निकल क्लासेस। दोस्तों, आज हम जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है इरिगेशन। इरिगेशन बेसिकली एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है और कोशिश करेंगे कि हम इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं कि इरिगेशन होता क्या है, तो एक बार मैं इंग्लिश में और फिर एक बार हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। इट इज़ द मेथड ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द फील्ड बाय आर्टिफिशियल मेथड फॉर द पर्पस ऑफ कल्टीवेशन। इट डिपेंड्स अपॉन क्रॉप रिक्वायरमेंट्स, क्रॉप पीरियड फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। हिंदी में कहे, यह एक आर्टिफिशियल तकनीक है जिसका इस्तेमाल हम आर्टिफिशियल रूप में पानी को खेतों में या फिर फसलों की ज़रूरत के हिसाब से सप्लाई करके कर सकते हैं और इससे हमें अधिकतम से अधिकतम क्रॉप की ग्रोथ मिल सकती है। दोस्तों, यहाँ पे एक शब्द बार बार आ रहा है जिसको हम बोलते हैं क्रॉप पीरियड। क्रॉप पीरियड वो टाइम इंटरवल है जब फसल को बोया जाता है और तब से लेके फसल को काटने तक के समय में जो दिया गया पानी है उसे क्रॉप पीरियड कहा जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि हमें इरिगेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन। तो इसका पहला पॉइंट है ड्यू टू इनएडिक्वेट रेनफॉल, वर्षा का कम होना। दूसरा बिंदु है ड्यू टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, वर्षा का अनियंत्रित मात्रा में होना। तीसरा बिंदु टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप, फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए। और चौथा और इम्पोर्टेंट बिंदु है टू ग्रो पेरेनियल क्रॉप्स। पेरेनियल क्रॉप्स वो होती है जिन जो एक वर्ष में तैयार होती हैं, इन्हें वार्षिक फसल भी कहा जाता है, जिन्हें पूरे वर्ष पानी की आवश्यकता रहती है। तो इसके हम हिंदी में कहेंगे वार्षिक फसलों के उत्पादन हेतु, जैसे कि गन्ना। उसके बाद चौथा पांचवा बिंदु आता है टू ग्रो नंबर ऑफ क्रॉप्स, टू थ्री क्रॉप्स पर ईयर, प्रतिवर्ष या एक समय में दो से तीन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना। छठा बिंदु टू गेट इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट एंड फेमाइन, अकाल व सूखे के समय में यह एक प्रकार से बीमा प्रदान करता है। दोस्तों, बात करते हैं इरिगेशन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। भारत, अगर हम राजस्थान की बात करें और पर्टिकुलरली बीकानेर की बात करें, तो यहाँ पर पानी की उपलब्धता पूर्ण रूप से इरिगेशन पर ही निर्भर करती है। IGNP इंदिरा गांधी नहर परिषद यहाँ पे पानी का मेन स्रोत है, जिससे हमें पीने का, खेती का और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए पानी उपलब्ध होता है। तो कुछ एडवांटेजेस हैं इरिगेशन के, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, इंक्रीज यील्ड इन क्रॉप, फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ड्रॉट एंड फेमाइन कंडीशन, सूखे व अकाल के कंडीशन में प्रोटेक्शन के लिए, एलिमिनेशन ऑफ मिक्स क्रॉपिंग, मिश्रित फसल के लिए, मिश्रित फसल को कम करने के लिए। दोस्तों, मिश्रित फसल ये होती है कि जब एक ही समय में या लगातार एक ही फील्ड पर विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन। इससे दो नुकसान होते हैं। पहला नुकसान कि एक मुख्य फसल के उत्पादन में कमी आती है, दूसरा मिट्टी की उर्वरक क्षमता पे भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ इसके कुछ इनडायरेक्ट एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि यह बहुत हेल्पफुल होती है पावर जनरेशन के अंदर। जैसे हम गंगा शारदा कैनाल की बात कर ले, जो कि 80 मेगावाट हाइड्रो पावर जनरेट करती है इरिगेशन चैनल्स की माध्यम से, गंगा शारदा कैनाल के माध्यम से। फील्ड कंट्रोल एज अ बाउंड्री लेयर, जहाँ पे हम एक तरीके से खेतों के अंदर बाड़ाबंदी, जमाबंदी के लिए, फील्ड कंट्रोल के लिए इरिगेशन चैनल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एज अ ट्रांसपोर्टेशन, बहुत से क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के रूप में या नेविगेशन के रूप में किया जा सकता है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज, दोस्तों यह उस स्थान पर बेहद उपयुक्त है जहाँ पर पानी हमें ज़मीन के अंदर बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है, तो वहाँ पर ये
ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए बहुत उपयुक्त है। पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु, फॉर इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, इनका इस्तेमाल हम पीने के पानी तथा इंडस्ट्रियल वाटर के रूप में भी कहा जा सकता है। जैसे कि मैंने लिखा है राजस्थान के अंदर IGNP एक तरीके से आपका मेन पानी का स्रोत है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इरिगेशन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई प्रकार के रोजगार भी पैदा होते हैं। सरकारी रूप में WRD पैदावार बढ़ाया नौकरी देने के लिए जाना जाता है, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज, हानिकारक प्रभाव, जिसमें सर्वप्रथम आता है वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग वो समस्या है जिससे पानी पेड़ों की जड़ों तक पहुंचकर उसके रेस्पिरेशन या श्वसन प्रक्रिया को प्रभावित करता है, जिससे पौधों की ग्रोथ में कमी आ जाती है। क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम एंड डिस्टर्ब्स द इकोसिस्टम, बहुत सी जगहों पर देखा गया है कि इरिगेशन के कारण वहाँ पे मौसमी चक्र बदल जाता है। जैसे बीकानेर की बात कर लें, आज से 15-20 साल पहले यहाँ पर बारिश बेहद कम होती थी, लेकिन अब नहर के आने के बाद यहाँ पे नमी भी कंपैरेटिवली बढ़ गई है और बारिश भी अधिक होती है। अन्य बिंदु, स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज लाइक डेंगू एंड मलेरिया, इससे कई प्रकार की बीमारियाँ जैसे डेंगू और मलेरिया भी फैलता है। पांचवा बिंदु, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन ड्यू टू परकुलेशन ऑफ फर्टिलाइजर, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इरीगेशन की, क्योंकि आजकल हमारे जो खेती के प्रयोग किए जा रहे हैं उसमें विभिन्न प्रकार के कीटनाशक या उर्वरक, जिन्हें फर्टिलाइजर्स कहते हैं, इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पानी से ज़मीन के अंदर चला जाता है और काफ़ी समस्याएं उत्पन्न करता है हेल्थ के रेस्पेक्ट में। पंजाब का क्षेत्र, इसी कारण आज कैंसर के मरीज जो पंजाब में है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो इरीगेशन के प्रकार देखा जाए तो इरिगेशन बेसिकली दो प्रकार का होता है, सरफेस इरिगेशन और सब सरफेस इरिगेशन। इन दोनों की हम पूरी तुलना अगले लेक्चर में करेंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत में आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, अभी हम एक वैश्विक महामारी कोरोना वायरस COVID-19 से जूझ रहे हैं और आप लोगों से निवेदन करूँगा, कृपया करके अपने घरों पर ही रहें, सुरक्षित रहें और प्रतिदिन इस प्रकार के लेक्चर्स जो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे इन्हें कंटिन्यूस देख के अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें। धन्यवाद।